नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए शो टूटे सितारों की महफिल में, जहां पे हम स्वागत करते हैं उन सितारों का जो कल के जगत के बहुपरे सुपरस्टार बन सकते थे, लेकिन किसी न किसी रीजन से वो सुपरस्टार नहीं बन पाए। अब आज जो हम बुलाने वाले हैं जिनको, उनके बाबूजी का खौफ इतना था कि 50-50 कोस तक भी अगर कोई बचवा रोता था ना, तो उसकी अम्मा उकरा करती थी कि सो जा मुन्ना, सो जा, नहीं तो वो आ जाएगा। हाँ, तो तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे आज के मेहमान गब्बर सिंह के एकलौते सपूत जब्बर सिंह। अरे भाई साहब, आप कौन है? यहाँ को शाहरुख खान का बेटा को हम नहीं बुलाए थे, हम बुलाए थे गब्बर सिंह का बेटवा जब्बर सिंह। अरे रामू, तू क्या करता है जी? किसको किसको भेज दिया इस शो पे? शो चलेगा कि नहीं? पहला शो है हमारा, अब तुम ऐसे ऐसे आदमी को भेज दे रहे हो। अरे भगाओ यार इसको, जल्दी भेज दो। अरे खजूर, अब उनका ही नाम जब्बर सिंह है, अपुन ही गब्बर सिंह का एक लौता औलाद है, ठीक है? अपुन को प्रूव करने के लिए यहाँ क्या लिखवा के चलना पड़ेगा? अपना बाप का नाम गब्बर सिंह है, सारा तेरा तो चैप्टर इस घोड़े से ही खत्म कर देता। अच्छा जब्बर जी, आप खुदा मत मानिएगा, वो पर्सनालिटी देख के थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गए। अरे रामू जाएगा गब्बर सिंह के लिए, आए हमारे यहाँ इंटरव्यू देने के लिए, बैठाओ। हाँ बस क्या खजूर, ज्यादा मस्का मारने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अपन का स्वैग देख के सब कंफ्यूज हो जाता है। चल अपना इंटरव्यू शुरू कर। हाँ तो जब्बर जी, आज से हमारे पहला सवाल, आप बताइए गब्बर सिंह कैसे आदमी थे, किस तरह के इंसान थे? अरे खजूर साला, तू अपन का इंटरव्यू ले रहा है या अपन के बाप का? हाँ साला, टाइम पास करने के लिए अपन को बुलाया है यहाँ पे? अरे जब्बर जी, आप जो गुस्सा हो गए जब्बर जी, इंटरव्यू आप ही का हो रहा है, वो हम हमारे जो व्यूअर है ना, वो थोड़े से गब्बर सिंह के बारे में ज्यादा जानने की इच्छा रख रहे थे, इसीलिए मैंने चाहा कि थोड़ा सा आप अगर उनके बारे में इंट्रो इंट्रो थोड़ा बता देते तो हमारे व्यूअर भी खुश हो जाते। अच्छा ऐसा? हाँ तो व्यूअर, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अपन का बाप जो था गब्बर सिंह, बहुत ही साफ सुथरा शरीफ आदमी था, उसको किस बदनाम कर दिया है, ठीक है? उसने कभी भी किसी के साथ ना इंसाफी नहीं की थी। अच्छा जब्बर जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी बहुत ही शरीफ और किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करते थे, पर उन्होंने ठाकुर साहब की हाथ क्यों काट दी? अबे डियर पसली, अगर अपुन तेरा गर्दन ऐसे पकड़ के तेरे को घोड़े में ले जाएगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो तेरे को गुस्सा आएगा कि नहीं? हाँ बोल, तेरे को गुस्सा आएगा? गुस्सा क्यों नहीं आएगा? गुस्सा तो मेरे अंग अंग में दौड़ेगा, अगर तो मेरा गर्दन ऐसे पकड़ लेगा। हाँ ऐसे आप कैसे बात बोल रही हो? गर्दन आप पकड़ लोगे, मैं मानता हूँ आप गब्बर सिंह के बेटे हो, लेकिन गर्दन आप पकड़ लोगे, गुस्सा मेरा बहुत आएगा। देखो आप मेरे गुस्से को जानते नहीं। तो बस क्या, तूने जवाब दिया? जब तेरे जैसे ढीले को गुस्सा आ सकता है, तब उनका बाप तो वैसे भी गब्बर सिंह था। हाँ तो गब्बर सिंह को गुस्सा आना बनता है रे, अब उसको गुस्सा आया इसलिए अपन के बाप ने उसके हाथ काटे। ओ तो ये बात थी गब्बर साहब के गुस्से होने का, ठाकुर साहब के हाथ काटने का। अच्छा चलो, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि उन्होंने मैंने ठाकुर साहब का हाथ काट दिया, उनके परिवार को मार दिया क्योंकि बड़का लेना था, पर ये बसंती जी को नचाने का क्या उनके दिमाग में आया? क्या ये किसी शरीफ आदमी के लक्षण है? क्या ये शरीफ आदमी के हरकतें हैं? आप अगर बोलते हैं गब्बर सिंह इतने शरीफ आदमी थे, तो उन्हें नचाना चाहिए था किसी औरतों को? सारे आप बताइए बताइए, आपको बताना होगा। देखो अपुन ने बताया कि अपुन का बाप शरीफ था, मतलब शरीफ था, ठीक है? रहा बात बसंती आंटी को नचवाने का बात, तो वो अपुन का बाप वीरू अंकल जो थे उनको बचाने का टाइम दे रहा था, अगर नहीं नचवाता तो उसको कोई बचा पाता? तो अपुन का बाप इतना जेन्युइन पर्सन था ना, जेन्युइन पर्सन,
कि अपने दुश्मन को भी बराबर का मौका देता था कि बच्चे। अच्छा अच्छा, यानी गद्दार जी मतलब अपने दुश्मन को भी पूरा चांस देते थे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने बसंती को इसीलिए नचाया ताकि वीरू बच के बच जाए। ऐसा कौन करेगा भाई, मतलब अपना ही पैर में कोई कुल्हाड़ी खो देगा। आप लेकिन बहुत बात कर रहे हैं, हमको नहीं लगता ये बात आप सही बोल रहे हैं। मैंने आप अपने पिताजी का एकदम अलग ही छवि हमारे सामने ला रहे हैं, ये जनता नहीं सुनना चाहेगी। आपको सच्चाई बताना होगा, बताइए। बस क्या है? जब से आया हूँ तब से गब्बर सिंह गब्बर सिंह गब्बर सिंह सुन रहा है। हाँ, तेरे को अपुन का इंटरव्यू लेना ही गया कि नहीं है? बोला ना अपुन कि गब्बर सिंह बहुत ही अच्छा आदमी था, तो गर्क अपने अपने मगज में डाल ये बात, गब्बर सिंह बहुत अच्छा आदमी था। आप अपुन के बारे में सवाल पूछे, उसके बारे में अपुन के बारे में मैं याद कर रहा था जब्बा जी। अच्छा ठीक है, अरे यार भीगर, आपने समझ जाओ ना, गब्बर सिंह बहुत अच्छा आदमी था, वो बहुत ही शरीफ आदमी था। जब्बर सिंह जब बोल रहे हैं अपनी जुबान से तो क्यों जबरदस्ती के तुम लोग हल्ला किए हुए और सवाल पे सवाल ठोकने के लिए हमें खड़े कर दिए। हाँ तो ठीक है जब्बर जी, आप अपने बारे में बताइए कि आखिर गब्बर सिंह की जाने के बाद आपने डाकू गिरी क्यों नहीं की, डकैती क्यों नहीं की, और आप उतने बड़े डाकू क्यों नहीं बन पाए, कुछ उनके उस बारे में बताइए। हाँ देख भाई, अपुन का तो पूरा सेट वेट था कि मैंने अपुन अपना फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, मतलब अपना बापू का लेगेसी को आगे बढ़ाएगा, बहुत बड़ा डकैत बन के दिखाएगा। लेकिन क्या हुआ कि वो जो ठाकुर ने उसे बैरों से मार दिया अपुन के बापू को, साला पूरा इज्जत का वाट लग गया। रामनगर का बच्चा लोग भी साला अपुन लोग से डरने नहीं लगा, ठीक है? तब फिर पूरा अपना फैमिली वैमिली को इकट्ठा करके सबको अपन लोग फिर यहाँ पे मुंबई में आके सेटल हो गया। अच्छा तो आप लोग रामगढ़ से फिर मुंबई का सफर तय किए, मतलब मुंबई में आके सेटल हुए। तो मुंबई में आके आपने किया क्या ऐसा, मतलब अपना गुजर बसर कैसे किया, उस बारे में थोड़ा हमारी जनता को बताइए तो उन्हें भी पता चले कि अगर इतना बड़ा डाकू का बेटा आखिर किया क्या, कैसे अपनी जिंदगी आगे बढ़ाया, बताइए थोड़ा सा हमारी जनता को। हाँ तो जब अपुन आया मुंबई तो अपुन की माँ ने दिए गहने बेच के बोला कि बेटा जाके कुछ धंधा वंदा स्टार्ट कर। ओह तो आपकी माता जी को अपने जेवरों को बेचना पड़ा आपके धंधे को चला, बहुत दुख की बात। अबे झापी के उतना सेंटी होने का कुछ जरूरी नहीं, अपुन के माँ ने अपना गहना ले लिया था। वो जो अपना बाप जो डकैती कर करके 5-6 kg गहना जो चोरी किया था सोने का, वो बहुत काम आया अपुन का, वही गहना दिया, बोला कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने का। क्या 5-6 kg, 5-6 kg सोना आपके पास था, आपने क्या धंधा स्टार्ट किया? वैसे भी मुंबई में तो भाई लोगों का राज है, तो आपने अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश किया होगा इसमें, ये स्ट्रगलिंग बारे में बताइए, अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए, कैसे आपने स्ट्रगल किया, कैसे भाई लोगों के बीच आपने अपना धंधा चलाया, बताइए इस बारे में हमारी जनता को। अरे बस क्या, अपुन गब्बर सिंह का औलाद है, ठीक है? अपुन ये भाई गिरी वो अपना अच्छा नहीं लगता, ठीक है? ये भाई गिरी भाई गिरी वाला चिंदी चोरी वाला काम अपुन करेगा नहीं। अपुन जब भी करेगा तो डकैती करेगा, क्या करेगा? डकैती। और अपुन अभी मुंबई में डकैती ही करता है, ठीक है? क्या बात कर रहे हो, डकैती डकैती आप मुंबई में, ऐसा कैसे? हाँ जहां तक हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत दिनों से हमें मुंबई क्या, हमें तो बहुत दिनों से कोई डकैती की खबर ही नहीं मिली, और आप कह रहे हैं मुंबई में डकैती, ये आप थोड़ा ज्यादा बोल दिए हैं। जब्बर भाई आप थोड़ा सा सही सही से हमें बताइए कि आखिर किस तरह की डकैती आप करते हैं, आप कैसे करते हैं जो पुलिस को कानो कान खबर नहीं लग रही। अबे 5-6 kg सोना जो अपन की माँ ने दिया उससे अपन ने इंटरनेशनल स्कूल खोला क्या, तो उससे क्या है
अपन को कोटा टाइप के लगाने का है, आपकी डकैती वाला धंधा भी साथ साथ चल रहा है, इसमें किसी पुलिस पुलिस को कानो कान खबर क्या पड़ेगी। साला पुलिस वाला नेता वाला का भी लौंडा लोग अपन के स्कूल में ही पढ़ता है और अपन को पैसा बन रहा है। आज का डेट में वो बंदूक लेकर घूमने का जरूरत का है नहीं, ठीक है, एक स्कूल खोल दो, पैसा ऐसे ही बनता है पैसा। इंटरनेशनल स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल कैसी का क्या लेना देना। अरे वो तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल आपने खोला है तो उसमें आप डकैती कैसे बोल रहे हैं। नहीं, इस बारे में थोड़ा सा अच्छे से बताइए, हमें हमें भी तो पता चले इंटरनेशनल स्कूल खोल के आप किस तरह से डकैती करते हैं। अबे खजू, तुझे अगर अपन पूरा बिजनेस का मूल मंत्र बता देगा तो साला तू भी मिलियनर बिलियनर नहीं बन जाएगा। साला इतना जान कि अपन एक एक एडमिशन के लिए 10 लाख से 1 करोड़ लेता है, जहां बापू एक एक डकैती में 1 लाख ला के पूरा 50,000 इनाम अपने सर पे लेता था, अपन एक एडमिशन के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपया लेता है। इतना कीमत है अपना इंटरनेशनल स्कूल का। बस क्या, अब तेरा अगर कोई छोटा मोटा आने वाला हो तो अपन के स्कूल में डाल देना, तुमने इतना अच्छा इंटरव्यू लिया है तो अपन उसके लिए डोनेशन वोनेशन माफ कर देगा, ठीक है। हाँ जब्बर जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके विचारों को जान के, आप किस तरह आपने स्ट्रगल किया आपने आपको एस्टेब्लिश करने में। हालांकि आप गब्बर सिंह जैसे बड़े डाकू तो नहीं बन पाए, लेकिन आपने अपना गुजर बसर कैसे रामगढ़ से मुंबई में अपना सेटल किया ये जान के बहुत अच्छा लगा। हाँ, जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर को भी कुछ थॉट प्रोसेस को बताएं कि जिससे वो प्रेरित हो सके, 2-4 वर्ड हमारे व्यूअर के लिए कुछ बात बोल। बस क्या, आपको भी बहुत अच्छा लगा तेरे को इंटरव्यू देके, आखिर जनता लोग को पता तो चला कि गब्बर सिंह का बेटा भी करता गया। आइए, जो तुम आज सो है ना, बहुत मस्त सो है, जो तुमने टूटे सितारों में फिल्म नाम का सो चलाया, जिससे हम जैसे जिनको आम जनता नहीं जान पा रही थी उनको सब कुछ जान पा रहा है। तो अपन विश करता है तेरे शो को कि मैंने आगे चले बढ़े। और हाँ, रहा बात व्यूअर लोग के लिए मैसेज के लिए, तो व्यूअर लोग हमेशा एक ही स्टार नहीं होता है आसमान में, आसमान में बहुत सितारे होते हैं, तो अपने आप को किसी भी सितारे से कम नहीं समझने का। और अगर आप शाहरुख खान नहीं हुए तो क्या, आप शाहरुख खान से कम भी नहीं है, तो ये माइंड में हमेशा ये बात रखना। दोस्तों, अलविदा लेना चाहूंगा, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपने फ्रेंड को शेयर करें, और अगर किसी अलग सितारों से आप चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू करूं तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ये वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चैनल का नाम तो शायद पता ही होगा आप लोगों को, बकैती एक्सप्रेस। धन्यवाद।